नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बोया M1 माइक और ये सिंपल हेडफोन के दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करके आपको मैं बताऊंगा कि किसमें बेहतर ऑडियो क्वालिटी है और किसका नॉइज पोल्यूशन ज़्यादा है। जैसे कि बाहर में जितना सराउंडिंग में नॉइज है वो किसमें अधिक ट्रैप करता है, कौन, ये बोया M1 माइक या फिर ये हेडफोन। मतलब बहुत कई यूट्यूबर जो नए यूट्यूबर आते हैं वो क्या करते हैं कि शुरू में हेडफोन से ही यूज करते हैं, क्योंकि मैं भी जो बहुत सारा वीडियो बनाया था तो हेडफोन से ही बनाया था। उसमें लगभग ऑडियो क्वालिटी तो ठीक ही आया था, लेकिन आज दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट आपको करके बताएंगे। तो मेरा ये वीडियो में बने रहिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जो चीज़ अभी मैं बता रहा हूँ ये बोया M1 माइक से बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बोया का M1 माइक है, और इसका बटन जब कैमरा की तरफ करेंगे तब कैमरा में होगा। जैसे कि DSLR वगैरह में जब शूट करते हैं तब इसको ऊपर तरफ कर लेते हैं, और मोबाइल फ़ोन या फिर और किसी में जब आप शूट करेंगे तब आप इसको नीचे कर लेंगे, मतलब तब ऑफ रहेगा ये। और इसमें दो मतलब बैटरी लगती है इसका अंदर में है। कभी अगर इसका रिव्यू करेंगे तब आपको खोल के दिखा देंगे। तो दोस्तों, अभी जैसे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए क्या अभी खोल के तो इसको दिखा नहीं सकते हैं। इसके लिए एक अलग वीडियो आपको डाल देंगे। आपको अगर ज़रूरत होगा तो आप कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। ये है बोया M1 का माइक से आपको बता रहे हैं। अब हम बताएंगे कि आपको ये हेडफोन से, तो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट से किसमें अच्छा और किसमें बेहतर वॉइस क्वालिटी है। तो दोस्तों, अब आपको जो मैं बता रहा हूँ ये है एयरफोन से, मतलब सिंपल हेडफोन से आपको बता रहा हूँ। तो आप मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि दोनों के बीच में क्या डिफ्रेंशिएट है। अगर आप भी YouTube में वीडियो बनाते हैं तो आप शायद आपके पास बोया M1 माइक ना हो, आपके सिंपल कोई हेडफोन से बनाते होंगे या फिर कोई लोकल माइक से बनाते होंगे, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।